सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे ये 5 सितारे। नंबर 3 तो सबसे बड़ा देशभक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश की सेवा करना हर कोई चाहता है, लेकिन वे बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का मौका मिलता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें चाहकर भी यह करने का मौका नहीं मिलता है। ऐसी ही इच्छा कुछ बॉलीवुड स्टार्स की भी अधूरी रह चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं उन स्टार्स के बारे में जो आर्मी में शामिल होना चाहते थे लेकिन किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हो पाया। 1. शाहरुख खान। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम किंग खान है। जी हाँ, बड़े पर्दे पर हम कई बार शाहरुख को सोल्जर का किरदार निभाते देख चुके हैं। इस बात का खुलासा खुद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था कि वह इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह आर्मी लड़ने के लिए नहीं बल्कि देश की रक्षा करने के लिए ज्वाइन करना चाहते थे। 2. सोनू सूद। सोनू सूद को उनकी फिटनेस के लिए भी पसंद किया जाता है। फिल्म पलटन में सोनू सूद को सोल्जर के किरदार में देखा गया था, लेकिन एक समय पर सोनू सूद का भी यह सपना था कि वे इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। एक इंटरव्यू में सोनू ने बताया था, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था लेकिन मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी और फिर फिल्मों की तरफ रुख कर लिया, लेकिन फिल्म में फौजी बनकर मेरा यह सपना भी पूरा हो गया। 3. अक्षय कुमार। अक्षय को भी उनके देशभक्ति वाले किरदारों के लिए खूब पसंद किया जाता है। बताते चले कि अक्षय कुमार के पिता इंडियन आर्मी में थे और वह भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। 4. रणविजय सिंह। रोडीज फेम रणविजय सिंह को आज सभी जानते हैं। रणविजय भी आर्मी में शामिल होना चाहते थे। एमटीबी रोडीज में सिलेक्शन के बाद उन्हें अपना मन पलटना पड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ही बताया था कि मेरे परिवार की पिछली 5 पीढ़ियां इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे रही है और 6ठी पीढ़ी का मैं था, लेकिन मैं आर्मी में अपनी सेवा नहीं दे पाया। 4. निमृत कौर। इस लिस्ट में एक्ट्रेस निमृत कौर का नाम भी शामिल है। बता दें कि वे भी एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इस वजह से वह भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उनका यह भी मानना था कि वह इसके काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य बदल लिया।